हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक लॉक है, वो बायोमेट्रिक लॉक के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल ये बहुत न्यूज़ में दिखा रहा है कि आपके आधार कार्ड से किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, किस तरह से आपका जो आधार कार्ड है, जो आपका जो बायोमेट्रिक है, किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाला है कि आधार कार्ड में अगर आपके बैंक अकाउंट लिंक है तो फ्रॉड किस तरह से आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं बिना ओटीपी के। आपका आधार कार्ड से अगर लिंक है बैंक अकाउंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे फ्रॉड का कोई भी अलर्ट आप जान सको, फ्रॉड आपके साथ ना हो, आप सावधान रह सको। तो इसी के जानकारी के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो के इसके मत कीजिएगा, फुल वीडियो वर्ड्स कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो गाइस, आइए हम बात करते हैं आधार कार्ड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको पता है, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट होता है, आपका एरिस होता है, आपका डेमोग्राफिक डेटा, आपका बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल जो है बैंक ने क्या किया है, बैंक ने एक सिस्टम लॉन्च किया जो कि AIPS जाना जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, आप किसी भी बैंक का जो मनी है, अमाउंट है, वो विदड्रॉ कर सकते हो आपके फिंगरप्रिंट से। नहीं आपका कोई OTP ज़रूरत होगा, ना आपका ATM का कोई ज़रूरत होगा, ना आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप किसी भी कॉमन सेंटर में या किसी भी शॉप में जाके आप AIPS का इस्तेमाल करके, आपका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके आप किसी भी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक समस्या, एक इशू आ जाता है कि आपका ये जो फिंगरप्रिंट है, आपका जो आधार कार्ड का, कोई मिस यूज भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका आधार, आपका फिंगरप्रिंट कोई दूसरा मिस यूज करके आपका बैंक अकाउंट जो है वो खाली कर सकता है, बैंक का आपका जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो फ्रॉड है, आपका बैंक, आपका जो अमाउंट है, बैंक किस तरह से खाली हो सकते हैं, हम तो बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे आप किस तरह से बच के रहेंगे ताकि आपके साथ ये फ्रॉड ना हो, ठीक है। आज हमको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका आधार कार्ड किस तरह से सुरक्षित रखना है, ताकि आपका जो फिंगरप्रिंट है, आपका जो डेमोग्राफिक डाटा है, आपका जो बायोमेट्रिक डाटा है, वो कोई दूसरे यूज इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है, मतलब यूज़ ना कर पाए, फ्रॉड ना कर पाए, और आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका ही रहे, कोई भी खाली ना कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो गाइस, आपको पता होगा शायद, आजकल आप किसी भी दुकान में जाके आप फिंगरप्रिंट देके आप पैसे निकालते हो, लेकिन आप एक बार भी नहीं सोचते कि आप किसी भी दुकान में जाके जो फिंगरप्रिंट यूज़ करते हो, वो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कॉपी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो फिंगरप्रिंट है, वो जो फ्रॉड होता है, जो स्कैम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मान लो अगर आप रेशन कार्ड के दुकान में गए, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट देके आपको रेशन आपको लाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आप जब भी मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट रखते हो, अपना फिंगर देते हो, तभी फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाता है। और ये फिंगरप्रिंट उन लोग एक जो सिलिकन नाम के जाना जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग कॉपी कर लेते हैं आपका फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, एक शॉप में बैठते हैं, तो वो लोग पैसे उठाने के नाम से क्या करते हैं, कस्टमर का फिंगरप्रिंट कलेक्ट करता है। मान लो अगर आप किसी दुकान में गए पैसे उठाने के लिए, तो आप, तो आपको पैसे उठा के दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप जो मशीन पर फिंगर दिए हो ना, वो जो फिंगरप्रिंट यहाँ पे रह गए ना, वो लोग कॉपी कर लेता है, ठीक है। और जब भी ये कॉपी कर लेते हैं फिंगरप्रिंट, तो आपका फिंगरप्रिंट उन लोग के पास चला जाता है। और जब भी आपका फिंगरप्रिंट चला जाता है, वो फिंगरप्रिंट से वो आपका अकाउंट के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल आधार कार्ड में बैंक लिंक करना बहुत मैंडेटरी हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है, और सारा जो है कस्टमर वो लिंक कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आधार बैंक अकाउंट में साथ जोड़ने के लिए आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और आपका फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी शॉप में जाके आप जो मनी विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा आपका विड्रॉ कर सकते हो, आप किसी भी शॉप में जाके आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते। लेकिन वही फिंगर, आपका फिंगर, वो लोग क्या करता है, स्कैम करता है, डुप्लीकेट करता है, और डुप्लीकेट करके क्या करता है, आपका ही फिंगरप्रिंट यूज़ करके आपका बैंक अकाउंट खाली करता है।
जी हाँ बिल्कुल, फ्रॉड लोग ऐसे ही करते हैं। जब भी आप किसी दुकान में, राशन के दुकान में या कोई भी AIPS के शॉप में अगर जाते हो, फिंगरप्रिंट देते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका जो फिंगरप्रिंट होता है कैप्चर होता है, और वो फिंगरप्रिंट वो लोग सिलिकॉन नाम के एक चीज़ होता है जहाँ पे फिंगरप्रिंट कॉपी होता है, और वो लोग डुप्लीकेट करते हैं आपका फिंगर, और आपके फिंगर उनके पास है, मतलब आपका सारा ऑथेंटिकेशन उसके पास है, ठीक है। तो वो लोग जब चाहे आपका फिंगरप्रिंट यूज़ करके आपसे आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो खाली कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो फिंगरप्रिंट होता है वो किस तरह से लॉक करके रखेंगे, इसीलिए UIDAI ने, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है कि आपका बायोमेट्रिक जो है, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक जो है वो लॉक कर सकते हो, ठीक है, वो लॉक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे किस तरह से आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक करेंगे, और किस तरह से अनलॉक करेंगे, और उसका बेनिफिट क्या रहेगा, उसका नुकसान क्या रहेगा, उसका लाभ क्या रहेगा, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। तो गाइस पहले हम आपको बता दें, ये जो आप लोग साइट देख रहे हैं UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो myaadhar.gov.in, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल लॉगिन है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा आधार कार्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये है UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको दो स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से आपका बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हो। जो फर्स्ट स्टेप है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो, जो कि माय आधार ऐप के नाम से जाना जाता है। वो ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल करके, मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से मोबाइल से भी करोगे, और किस तरह से अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन पर चला जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पर आ गया हूँ, यहाँ पे आपको आधार कार्ड मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, और OTP, जैसे ही आप OTP डालोगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत मैंडेटरी है, जो कि बहुत सारों को ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज सारा जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, ठीक है। लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स ये होता है गाइस, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लॉक रहेगा जब तक कि आप अनलॉक ना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आपका जो आधार कार्ड जब बनवाते हो, तो यहाँ पे मैन्युअली जो होता है बाय डिफॉल्ट ये अनलॉक रहता है, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी शॉप में जाके आप इजीली फिंगरप्रिंट देके, या किसी राशन के दुकान में जाके इजीली फिंगरप्रिंट देके आप राशन ला सकते हो, या किसी दुकान में जाके AIPS की तरफ से आपके अगर तो मनी विथड्रॉ कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाता है, मतलब आपका आधार कार्ड बनवाते हो, तो यह बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यह अनलॉक रहता है, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी शॉप में जाके आप राशन कार्ड के राशन के दुकान में जाके आप राशन ला सकते हो फिंगरप्रिंट के, और किसी भी दुकान में जाके CSE हो या किसी AIPS के शॉप में जाके आप फिंगरप्रिंट देके, या बैंक में जाके आप फिंगरप्रिंट देके आप मनी विथड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अनलॉक रहता है। तो आपको क्या करना होता है, ये लॉक करना पड़ता है। जब आप मल्टीपल बैंक आप जब आधार कार्ड से आप लिंक करोगे, जो लोग स्कैम करते हैं वो लोग इजीली आपका फिंगरप्रिंट यूज करके आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, आपका अकाउंट आपका जो आधार कार्ड है वो लॉक करके रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑप्शन के आधार पर, यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर लॉकिंग माई बायोमेट्रिक आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनटिल आई अनलॉक माई बायोमेट्रिक्स। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर मैं बायोमेट्रिक लॉक करूँ, ठीक है, तो मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करेगा। लाइक अगर आपके रेशन में है, आप अगर किसी रेशन कार्ड के दुकान में जाके आप रेशन लाते हो, ठीक है, रेशन लाते हो, तो वहाँ पे भी आपका जो बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट जो है वो काम नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप यहाँ पर लॉक करोगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लॉक हो जाएगा, और किसी भी आपका काम नहीं होगा। आप अगर खुद करोगे तो भी नहीं होगा, आप रेशन कार्ड के दुकान में जाओ आपका रेशन ला नहीं पाओगे, आप किसी दुकान में जाओ पैसे विड्रॉ करने के लिए आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लॉक है। तो क्या करना पड़ता है, जब भी आप रेशन के लिए जाओगे रेशन के दुकान में, तो आपको क्या करना होगा, ये अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करके उसके बाद आपको जाना होगा। सेम इसी तरह आप किसी बैंक में या किसी CSE शॉप में या AIPS के दुकान में अगर आप पैसे विड्रॉ के लिए जाओगे, तो पहले आपका बायोमेट्रिक अनलॉक करो, उसके बाद जाओ, ठीक है। जब आपका काम हो जाए फिर से ये लॉक करके रखो, बस यही करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनटिल अनलॉक माई बायोमेट्रिक्स। यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं लॉक करूँ तो मेरा जो बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट है, वो काम नहीं करेगा जब तक कि मैं इसे अनलॉक ना करूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो योर बायोमेट्रिक्स हैव बीन लॉक सक्सेसफुली। मेरा जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। अगर मैं अभी ये लॉक है, ठीक है, मेरा बायोमेट्रिक अभी लॉक है, अगर मैं अभी
रेशन का दुकान में जाओ रेशन लाने के लिए, अगर मैं वहाँ पे फिंगरप्रिंट दूँ तो मेरा फिंगरप्रिंट वहाँ पे काम नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा। और रेशन कार्ड का जो दुकान है, रेशन कार्ड का जो मालिक होता है, वो आपको रेशन नहीं देगा। या किसी बैंक में अगर जाओगे पैसे ड्रॉ के लिए और वहाँ पर आप फिंगर दोगे, फिंगर काम नहीं करेगा। किसी दुकान में आप जाओगे CSC शॉप में या AIPS में, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक्ड है। तो पहले आपको क्या करना है, ये लॉक करके रखना है, ठीक है। मान लिया अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है आधार कार्ड का, तो मैं यहाँ पे लॉक करके रख लिया। तो जब भी मैं रेशन कार्ड के दुकान में जाऊँ रेशन लाने के लिए, बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं लॉक का ऑप्शन आ गया, मतलब मेरा जो आधार कार्ड का वो फिलहाल लॉक है और कोई भी फ्रॉड इसे गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरा जो आधार कार्ड का, मेरा जो बायोमेट्रिक है, मेरा जो फिंगरप्रिंट है, वो कोई भी व्यक्ति आप यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो अगर यूज करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फेल आएगा, बायोमेट्रिक लॉक है, ठीक है। तो कोई भी आप मेरे बैंक अकाउंट से छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई भी मेरा जो बैंक अकाउंट है वो खाली नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉक्ड है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये लॉक्ड रखना। तो अभी मेरा कोई काम के नहीं है, इसलिए मैंने रोल लॉक रखा है, ठीक है। आप जब भी काम के लिए जाओगे, रेशन के लिए जाओगे, पैसे विड्रॉ के लिए जाओगे, तो पहले इंटरनेट आपको खोल के या मोबाइल ऐप खोल के आपको क्या इसे अनलॉक करना होगा, ठीक है। जैसे तो अनलॉक करना भी एक आसान तरीका है, सेम इसी तरह। तो सिंपली वही ऑप्शन पर आपको चले जाना होता है, यहाँ पे वही ऑप्शन पर आपको चले जाना होगा, सिंपली वही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, दो ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्या होता है अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्पोररी। तो यहाँ पे आपको टेम्पोररी मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे उसके बाद आई अंडरस्टैंड पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड आफ्टर लॉकिंग माई बायोमेट्रिक आई विल बी एबल टू परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब ये होता है अगर मैं इसे अनलॉक करूँ तो मेरा जो बायोमेट्रिक है, मेरा जो फिंगरप्रिंट है, वो फिर से काम करने लगेगा। तो यहाँ पे आता है दो ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्पोररी, यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे आता है अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली अनटिल नेक्स्ट टाइम यू लॉक। तो यहाँ पे मैं उसको डिफरेंस में आपको बता दूँ, अगर आप पहले का ऑप्शन चूज करोगे तो किसी एक चूज कर पाओगे, ठीक है। तो पहले का अगर आप यूज करोगे अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्पोररी अगर करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी काम करोगे, काम करते ही तुरंत ऑटोमेटिकली ये बंद लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉक करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। किसी टाइम के लिए 5 या 10 मिनट के लिए रहेगा अनलॉक, उसके बाद फिर से ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। और यहाँ पे अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली मतलब ये होता है, ये ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होता है जब तक कि आप यही से लॉक ना करोगे, ठीक है। आप अनलॉक जब करोगे वो अनलॉक होगा, आप जब खुद लॉक करोगे उस टाइम लॉक होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे तो ये क्या करेगा, आप जब अनलॉक करोगे उसके बाद आपका 10 मिनट या 5 मिनट उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये यूज करें, फर्स्ट वाला अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्पोररी, ठीक है, ये यूज करें, क्योंकि जब भी आप रेशन के लिए जाओगे या पैसे विड्रॉ के लिए जाओगे, आप यही ऑप्शन चूज करके आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। जब भी आप पैसा उठाओगे तो उसके बाद ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपको दोबारा लॉक करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर आप लोग क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन होता है मेरा योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक सक्सेसफुली, मेरा जो बायोमेट्रिक है मतलब मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो अब सक्सेसफुली अनलॉक्ड हो चुका है। अब मैं किसी भी दुकान में जाके मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो इस्तेमाल कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर या लैपटॉप से या ब्राउजर से आप लोग लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आपका जो आधार कार्ड है वो बायोमेट्रिक आप लॉक करके रख सकते हो, ताकि आपके साथ कोई भी डुप्लीकेट ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपका अकाउंट सुरक्षित रहे, आपका बैलेंस जो है वो सुरक्षित रहे, कोई भी आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी ना कर सके। इसलिए बायोमेट्रिक लॉक करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आजकल न्यूज़ में बहुत बार दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, किस तरह से आपका आधार कार्ड सेफ रखना है, किस तरह से आपका जो बायोमेट्रिक होता है, आपका जो फिंगरप्रिंट होता है, वो आप सेफ रख सकते हो, ठीक है। तो आजकल डिजिटल जमाना है भाई, तो इसीलिए सब कुछ आपके फिंगरप्रिंट के ही डिपेंड करता है, आपको फिंगरप्रिंट से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो बायोमेट्रिक है आधार कार्ड का, वो हमेशा लॉक करके रखें, ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपका बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, कोई भी व्यक्ति आपके आधार कार्ड के साथ गलत इस्तेमाल ना करे, कोई भी व्यक्ति आपका बैंक के साथ छेड़खानी ना कर पाए। तो इसीलिए आपका जो बायोमेट्रिक है आधार कार्ड का, वो हमेशा लॉक करके रखें, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे इसी वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा इसी के रिगार्डिंग। तो गाइस आता हूं मैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप खुशी रखें।